तो जी आज की वीडियो है हेयर केयर पर। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो मैं आपको बॉक्स दिखा रही हूँ ना, ये मैंने बनाया हुआ है प्याज वाला तेल कोकोनट ऑयल में, प्याज को फ्राई करके बनाया हुआ है। ये मैंने ऑयल देखा था नताशा वकास की वीडियो पर। तो जी मुझे नताशा वकास यानी नताशा आपी की वीडियोस बहुत पसंद है, उनके यूट्यूब फॉलो करती हूँ, तो उनकी YouTube वीडियोस को देख के ही मैं बहुत सी चीज़ें बनाती हूँ। चलें जी वीडियो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ये जी मैंने डब्बा खोल लिया है, निकाल रही हूँ इसमें से तेल कोकोनट ऑयल का, मतलब वो जो प्याज और कोकोनट मिक्स वाला ऑयल है वो बना कर जो फ्रिज में मैंने रखा हुआ था वो मैं निकाल लिया है। ये देखें इतना मैंने अपने बालों के लिए, क्योंकि मेरे बाल हैं लंबे तो मुझे थोड़ा सा जो है ना चाहिए होता है ज़्यादा। तो ये जी मैंने निकाल लिया है, अब मैं इसको बंद कर रही हूँ। अब जी ये जो आप देख रहे हैं ना, ये स्प्राइट की बोतल, ये स्प्राइट की बोतल बिल्कुल नहीं है सॉरी स्प्राइट की बोतल ही है, बट जो इसके अंदर साजो सामान है ना वो है तारा मीरा का तेल। हाँ जी जी, तारा मीरा का तेल इज़ बेस्ट फॉर योर हेयर्स। मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली जब मैं बहुत छोटी थी ना, तब से मेरी मम्मा ये मेरे लगाती थी और मेरे बाल तब बहुत 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 अच्छे थे। फिर मैंने बहुत ज़्यादा हेयर कलरिंग करवाई, रिबाउंडिंग, शिबाउंडिंग, स्ट्रेटनिंग, फैशन, ये सब तो आपको पता है फिर बाल आपके ले जाते हैं। फैशन तो ऐसे ही आपके बालों के दुश्मन होता है, रिबाउंडिंग से आपके बाल सारे ख़राब हो जाते हैं। जो मेंटेन कर पाते हैं बस उनके ही चलते हैं, मैं मेंटेन नहीं कर सकी। तो इसलिए अब मुझे ज़रूरत पड़ती है अपनी हेयर केयर की, जिसमें मैंने ये आपको दिखा दिया है। पहले ये अनियन ऑयल लिया है कोकोनट का, और साथ में ये मैंने थोड़ा सा तारा मीरा का तेल डाला, क्योंकि गर्मी है ज़्यादा तारा मीरा जो है बर्दाश्त नहीं होता, बहुत ज़्यादा जो है मिर्चें लगती हैं। तो जी ये देखें, उसके बाद मैंने थोड़ी देर के लिए इसको खुद ही ऐसे छोड़ देते, खुद ही से जो है ना मेल्ट हो चुका है। आप भी जो है इसी तरह ये तेल लगाएं तारा मीरा इसमें मिक्स करके, तो आप यकीन करें आपको खुद महसूस होगा कि आपके जहाँ गंजपन आ गया, जहाँ बाल आपके उतर चुके हैं ना सर पे से, जैसे कि फोरहेड्स की साइड से होता है बाल उतर जाते हैं, गंजपन आ जाता है, तो यकीन करें जहाँ आपके बाल नहीं है ना ये वहाँ आपके बाल उगा देता है। ट्रस्ट मी, इसके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, मोटे होते हैं। क्योंकि मैं तो यूज़ करती हूँ, मेरा तो फेवरेट ऑयल है। तो जी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये लाजमी यूज़ करें, आपको भी बहुत पसंद आएगा। अगर जी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार प्लीज़ चैनल को लाइक, सॉरी जॉक्स अपार्ट चलें जी सीरियस मोड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो मिल सके। और उसके साथ ही प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब, चैनल अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो यकीन करें कोई भी टैक्स नहीं आएगा, बल्कि आपको जो भी मेरी नई वीडियो आएगी ना वो सबसे पहले नोटिफिकेशन में आएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैंने वीडियो अपलोड कर दी हुई है, और आपको देखने में आसानी होगी। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।